हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर एग्जाम्स में आपका स्वागत है। देखिए, इस पर्टिकुलर लेसन में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, वो सारे क्वेश्चंस जो है बेसिकली इसमें कवर हो जाएंगे आपके। इसके बाहर से तो वैसे कुछ बनता ही नहीं। इस लेसन को शुरू करेंगे। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे कुछ पेड ग्रुप्स के बारे में। जैसे कि अगर आप UPSC, MPPSC, BPSC या फिर आप किसी भी स्टेट PSC अगर आप तैयारी करें तो आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, वहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, प्लस आपके टाइम टू टाइम जो है टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करके आप अधिक जानकारी जो है इन पेड ग्रुप्स के बारे में ले सकते हैं। ऐसा करते हैं, देखिए ये बौद्ध धर्म के जितने भी ये 50 क्वेश्चंस हैं इनको क्विज की तरह करते हैं। पहले क्वेश्चन का तो आंसर दिख गया, चलिए उसको कंसीडर नहीं करते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर करा इस 50 में से। आप देखते हैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में कितने आंसर्स जो है आते थे। सबसे पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, यानी कि BC में। ठीक, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान है। ठीक है, आप नीचे आप गैस करते चलिए, जल्दी जल्दी आंसर सोचते चलिए और अपना स्कोर भी बनाते चलिए, कितने आप सही अटेम्प्ट करें कितने गलत। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? देखिए, लाइट ऑफ एशिया की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, सबको पता होना चाहिए, तो बेसिक सी चीज़ है, वो था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता के नाम की अगर हम बात करें तो वो था शुद्धोदन। सेवंथ क्वेश्चन, और गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था वो आपको बताना है। देखिए, गौतम बुद्ध की माँ के नाम की बात करें तो वो है माया देवी। एट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध जो थे उनके सौतेली माँ का नाम क्या था? उनकी एक सौतेली माँ भी थी। देखिए, उनके नाम की अगर हम बात करें तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? वो तो आपको आंसर भी फिलहाल दिख गया होगा और वैसे ये चीज़ याद भी होगी आपको, तो यशोधरा जो है उनकी पत्नी का नाम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, टेंथ क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? देखिए, गौतम बुद्ध के पुत्र के नाम की अगर हम बात करें वो था राहुल। इलेवंथ क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? देखिए, सारथी का नाम था चन्ना, जो कि पूरी कहानी बताता चला उनको। अगर आपको अगर आपने गौतम बुद्ध के बारे में स्टोरी पढ़ी हो कि पूरी रथ यात्रा करवाई थी उसने और सारी स्टोरी सुनाई थी कि बाहर पृथ्वी पे क्या चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? तो देखिए, जब वो 29 वर्ष के थे उन्होंने अपना घर त्याग दिया था सत्य की खोज में, जब वो निकल पड़े थे। 13th क्वेश्चन, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? देखिए, उसको कहा जाता है मां निभिनी निष्क्रमण। ठीक, मां भी निष्क्रमण जो है कहा जाता है जब बौद्ध धर्म ने अपने घर को जो है त्याग दिया था सिद्धार्थ ने। बौद्ध जो बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम गुरु किसको बनाया? देखिए, अगर हम बात करें तो वो थे अलार कलाम, जो है उनके प्रथम गुरु का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त करी थी? देखिए, बुद्ध ने सांख्य दर्शन, ये जो है बेसिकली शिक्षा अपने गुरु से, प्रथम गुरु से जो है यहाँ पर प्रदान करी थी या फिर प्राप्त की थी। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? प्रथम तो हमने जान लिया, दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? यहाँ पर अगर हम बात करें, 5 जो है शिष्य बने थे उनके उरुवेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के पांचों शिष्यों का नाम आपको यहां पर बताना है। देखिए, बुद्ध के पांचों शिष्यों का नाम बताएं, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, अस्सागी और महानाम। आपको कितने नाम याद थे? अगर आपको इनमें से 3 नाम भी अगर याद थे तो आप ना इसको करेक्ट आंसर कंसीडर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 19th, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निर्जना, बेसिकली नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? देखिए, 6 वर्ष के बाद जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की उन्होंने उम्र में घर त्याग दिया था। अब यहाँ पर 35 वर्ष आपको सीधा गेस कर लेना था, 35 माइनस 29, मैथ तो आपको बेसिक आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए 20th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चले, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध तथा तथागत भी उनको जो है कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? सिद्धार्थ का गोत्र था गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो उनको हुई थी वैशाखी पूर्णिमा की रात को, जो उनको बेसिकली जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था?
उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था वाराणसी के निकट जो सारनाथ, सारनाथ आप याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि वाराणसी आप नाम याद भी रखें, वाराणसी के निकट थी सारनाथ जगह जहाँ पर उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहते हैं? देखिए उसको कहते हैं हम धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? देखिए उस टाइम पे जो पाली लैंग्वेज थी बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती थी, जैसे आज के टाइम पे हिंदी यूज़ की जाती है, उस टाइम पे एक पाली लैंग्वेज होती थी उसी भाषा में जो उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तीनों रत्नों का नाम बताइए, बुद्ध धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? देखिए प्रविष्टि को जो है बौद्ध धर्म में उपसंपदा जो है कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? देखिए वो आते हैं आपके कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तो बुद्ध ने तृष्णा की जो घटना थी उसको निर्वाण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की अनुयायी कितने भागों में बटे थे? देखिए बुद्ध के अनुयायी जो थे वो दो भागों में बटे थे, कौन कौन से? भिक्षुक और उपासक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, 31st हमारा, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान बाद में क्या कहलाया? देखिए वो बाद में कहलाया था बोध गया। ठीक, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? देखिए महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि आज के टाइम जो बेसिकली आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश में एक जगह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? देखिए उनकी मृत्यु की घटना को कहा गया है महापरिनिर्वाण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? देखिए उनके द्वारा जो अंतिम उपदेश दिया गया था वो था कि सभी वस्तुएं जो है शरणशील होती है, अतः जो मनुष्य है उसको अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए, मतलब कि मार्गदर्शन जो है मनुष्य को अपना स्वयं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए वो हुआ था अजात शत्रु के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो या कहाँ हुआ था? वो था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो वो थे आपके आनंद नाम था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो देखिए वो थी बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी। देखिए उनकी माँ ही थी जो सबसे पहले उन्होंने धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो थे राजा यानी कि आपके सम्राट अशोक को जो है बौद्ध धर्म को भारत के बाहर फैलाने का श्रेय जो है जाता था। उनका सीधा जो है वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे उनका खौफ रहता था, तो जिसको वो कह रहे थे कि बौद्ध धर्म अपना लो तो बिना सवाल किए क्या होता था, वो बौद्ध धर्म को अपना लिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन कौन थे? तो देखिए वो थे आपके कालिक तपासु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी या फिर कहाँ बनी है? वो है मथुरा कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, देखिए 42nd, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? देखिए वो किया गया है गांधार शैली में, जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में है। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है क्या? निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? देखिए वो की गई थी बौद्ध धर्म से। बौद्धों को जो बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? देखिए वो होता है उनका वैशाख पूर्णिमा, सबसे जो पवित्र त्यौहार है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? देखिए वैशाख पूर्णिमा जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जो है विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीर श्रवद को मानने वाले कौन कौन धर्म है? तो देखिए वो है आपके बौद्ध धर्म एवं जो है जैन धर्म। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टता नकार दिया था? तो देखिए वो थे वेदों के जितने भी ये प्रमाण थे उनको स्पष्टता नकार दिया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? किसने उनको रास्ता दिखाया था? वो थे मोगलीपुत्र तिस्सा। लास्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संघ जो है कहाँ हुआ था? तो देखिए वो हुआ था कुंडल वन, जो कि आज के टाइम पे कश्मीर में है। तो ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बौद्ध धर्म के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन सकते थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से यहाँ पर कवर किए गए। लेसन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना स्कोर ज़रूर लिखेगा नीचे कि कितना आपने स्कोर किया। और इस लेसन की ये जो वीडियो है, अगर आप फेसबुक चलाने में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो फेसबुक पर भी इस चैनल पर आ रही वीडियो सारी आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल पेज पर। लेसन को ख़त्म करते हैं, थैंक यू।